हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग स्विच फेस के बारे में। बेसिकली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सपोज किसी ने उनसे पैसे लिए हैं एंड वो पर्सन वापस पैसे नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करें, कौन सा स्विच फेस जो हेल्प कर सकता है। सो फाइनली मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसा स्विच फेस शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको पैसे वापस दिलाने में हेल्प करेगा। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ा यू नो इसको रेगुलर करना पड़ेगा, पूरा माइंड में इंटेंशन रख के इसे बोलना पड़ेगा, तभी आपके लिए काम करेगा। ठीक, तो बेसिकली अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसे चैंट करना है डेली। अगर बात करें मिनिमम चैंट की, डेली आपने इसको 108 टाइम्स चैंट करना है अपने माइंड में इंटेंशन रख के। माइंड में इंटेंशन सेट करनी है कि मैं इस स्विच फेस को, इस पर्टिकुलर ये जो पर्सन है उसका नाम लीजिए कि जो पर्सन है इसके लिए कर रहा हूँ एंड इस पर्सन ने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए हैं। आपको अपनी विश को प्रेजेंट टाइम्स में बोलना है, सोचना है कि जैसे वो पर्सन आपको पैसे वापस कर रहा है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको चैंट करने से पहले या इसके साथ काम करने से पहले अपनी विश को पहले विजुलाइज करने की वो पर्सन खुद से आके आपको आपके पैसे रिटर्न कर रहा है। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी चैंटिंग को स्टार्ट कर देना है। आप चाहें तो इसको अपने पानी में यू नो पढ़ के एंड उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी काम करेगा। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप उसे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं तो ये भी चीज़ काम करेगा। आप सिंपली ब्लू पेन से इसको लिख सकते हैं एंड इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस स्विच फेस की कि स्विच फेस क्या है बेसिकली, तो देख लेते हैं। चेस्टनट बड अलाउ रिजर्व रीस्टोर फ्लो काउंट सत्या फ्रॉम बोरोअर्स नेम विद ग्रेस नाउ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोरोअर्स नेम, फ्रॉम के आगे जिस पर्सन ने भी आपका ये पैसा लिया है तो आपको उस पर्सन का नाम इस मंत्र में या फिर इस स्विच फेस में डालना है एंड उसके बाद इस स्विच फेस के साथ काम करना है। आप इसे चैंट कर सकते हैं अपने माइंड में इंटेंशन रख के एंड आप इसे वाटर चार्ज करके पी सकते हैं या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक सर्कल बनाइएगा। ठीक है, उसमें इस स्विच फेस को लिखना है एंड जो ब्रैकेट में बोरोअर्स नेम है उसको हटा देना है, उस पर्सन का नाम उस जगह पर लिख देना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपने उस एनर्जी सर्कल को क्या करना है, अपने पास रखना है, अपने यू नो पिलो के नीचे आप रख के उस पर सो सकते हैं या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, उस एनर्जी सर्कल को आप निकाल के उस पर पानी की बॉटल रख लीजिए, कुछ देर तक रखा रहने दीजिए, उसके बाद उसको कंज्यूम कर लीजिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, स्विच फेस को पानी में पढ़ के आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसे किसी और के लिए कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, उसको हम प्रॉक्सी चैंटिंग मेथड बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, उस पर्सन की प्रॉब्लम को या फिर उस पर्सन को माइंड में रख के उस पर्सन की यू नो जो भी प्रॉब्लम है कि किसी पर्सन ने उससे पैसे लिए वो वापस नहीं कर रहा है, उस चीज़ को अपने माइंड में रख के आपने चैंटिंग को स्टार्ट कर देना है। सेम चीज़ आप वाटर चार्ज करते हुए कर सकते हैं, वाटर को होल्ड करना है, उसमें अपने वर्ड्स बोलने हैं एंड आप चाहें तो विजुलाइज भी कर सकते हैं कि वो पर्सन आपको बता रहा है कि फाइनली मेरा काम हो चुका है एंड उस पर्सन ने मुझे पैसे वापस लौटा दिए। अगर आप प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप विजुलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली इसका असर होगा ही होगा, अदरवाइज अपने माइंड में तो कम से कम एटलीस्ट ऐसे इंटेंशन रखिए कि उस पर्सन का काम हो चुका है इन प्रेजेंट टेंस एंड आप उसके लिए करते रहें। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इस स्विच फेस को आप अपने वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं, एडिट करके इस स्विच फेस को लिख लीजिए एंड इसको अपने फ़ोन का वॉलपेपर सेट कर दीजिए। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो यह आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।